निमाड़ के नैया नंदू भैया हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए। उनका पार्थिव शरीर अब पंचतत्व में विलीन हो गया। खंडवा बुरहानपुर के बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के शव को आज सुबह उनके गांव शाहपुर ले जाया गया, जहां पूरे विधि विधान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इस मौके पर खुद सीएम शिवराज ने नंदू भैया की अर्थी को कंधा दिया। इस दौरान सीएम शिवराज अपने साथी के बिछड़ने पर खुद को नहीं रोक पाए और रो पड़े। सीएम ने कहा कि नंदू भैया उनका निजी नुकसान है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। नंदू भैया के जाने से जो शून्य पैदा हुआ है मध्य प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में, भारतीय जनता पार्टी के जीवन में, और एक कार्यकर्ता के नाते मेरे भी निजी जीवन में, यदि माइक कितना उठा रहा है, वो शून्य कभी भैया नहीं जा सकता। गलत दवा भी क्या कौन है? नंदू भैया जैसा कोई नहीं। ये कौन है? पीछे करो यार। तुम माइक एक अलग शख्सियत थे वो, सेवा की, समर्पण की, फोटो वाला पीछे कर यार। कार्यकर्ता के नाते परिश्रम की, संगठन कौशल की, उनके बिना सब अधूरा लग रहा है। आज उनको अंतिम विदाई देने। अंतिम यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए और नंद कुमार चौहान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनकी एक जनसेवा का एक इतिहास आने वाले सदियों को प्रेरणा देगा। ये एक क्षति है उनके कुल के लिए नहीं, लेकिन उनके संपूर्ण परिजनों के लिए। और संपूर्ण परिजनों में मैं केवल उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को शामिल नहीं कर रहा हूँ, पर पूरे प्रदेश के लोगों को शामिल कर रहा हूँ। मेरा स्वयं उनके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता रहा, मेरे दादी के ज़माने से, मेरे पूज्य पिताजी के ज़माने से एक पारिवारिक संबंध उनके साथ रहा है। ये स्वयं मेरे लिए एक बहुत व्यक्तिगत क्षति है, और जो रिक्तता प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए, हम सब के लिए और उनके परिजनों के लिए है, उस रिक्तता को भरना, और रिक्तता में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा शून्यता को भरना, बड़ा मुश्किल और कठिन काम। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद उनके साथ रहे। दिवंगत नंदू भैया की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इन लोगों ने अपने लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। नंद कुमार सिंह चौहान ने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में मंगलवार सुबह अंतिम सांस ली। वे पिछले लगभग एक महीने से दिल्ली में भर्ती थे। 11 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भोपाल के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और हालत गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। 2019 में छठी बार खंडवा से सांसद चुने गए चौहान का जन्म 8 सितंबर 1952 को शाहपुर में हुआ था। साल 1996 में पहली बार सांसद चुने गए चौहान ने अपना राजनीतिक करियर शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में शुरू किया था। बुरहानपुर से अशोक सोनी की रिपोर्ट, एमपी तक।